जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे इनर्शिया को लेकर, इनर्शिया मतलब कोई भी सब्सटेंस मान लीजिए यहाँ पर स्टेबल है, जैसे ये बुक को रखा गया है तो ये बुक अपने आप तो हट नहीं पाएगा, इसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ता है। तो फोर्स लगाने से कोई भी सब्सटेंस जो स्टेबल है उसको हम अनस्टेबल कर सकते हैं, जो अनस्टेबल स्टेज में है जैसे कोई भी गोली या कोई मान लीजिए बॉल को हम लोग ज़मीन पर अगर फेंक देते हैं तो अगर मूव करता रहता है, मोबिलिटी रहता है, उसको हम लोग जब तक नहीं फोर्स करेंगे वो चलता रहेगा। तो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज बेसिकली नोन एज इनर्शिया। इसी तरह दूसरा पार्ट आता है इलास्टिसिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं इलास्टिसिटी लिखा गया है। तो इलास्टिसिटी का मतलब होता है हर एक सब्सटेंस का एक इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी रहता है, उसके बाहर अगर आपको आप उसके ऊपर फोर्स या कोई भी बल प्रयोग करते हैं तो वो अपने आप टूट जाता है। जैसे मान लीजिए कोई रबर को हम लोग खींचते हैं या स्ट्रेस करते हैं तो वो एक जगह तक वहाँ पर बढ़ सकता है, और जब बढ़ने के बाद अगर उसको आप छोड़ देंगे, उस फोर्स को अगर आप नेग्लिजिबल कर देंगे या उसको अगर उसके ऊपर फोर्स नहीं अप्लाई करेंगे तो दोबारा वो अपने आप जगह पे आ जाएगा। लेकिन फोर्स अगर इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अपने आप इलास्टिसिटी या अगर प्रॉपर्टी को क्रॉस कर जाता है तो टूट जा सकता है। तो इसी तरह डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी भी है, डिफरेंट फॉर्म्स में जो पाया जाता है। इस चैप्टर में फिजिकल वर्ल्ड में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, आप लोग के जानकारी के लिए दोबारा और एक बार हम बोल देते हैं। तो फिजिकल वर्ल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स में जहाँ पर हम लोग चैप्टर में डिस्कस किए हैं वहाँ पर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनर्जी, जैसे मैकेनिकल एनर्जी है जिसको हम यांत्रिक शक्ति, यांत्रिक ऊर्जा भी कह सकते हैं, हीट एनर्जी मतलब ताप ऊर्जा, लाइट एनर्जी मतलब अलग अलग का जो लाइट जो दीप्ति होता है जो तो रोशनी का जो ऊर्जा होता है वो, उसके बाद आता है साउंड एनर्जी मतलब शब्द का ऊर्जा, मैग्नेटिक एनर्जी, और उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी, और उसके बाद है केमिकल एनर्जी मतलब रासायनिक शक्ति। जैसे एक मतलब माचिस के डिब्बे में से आगे के आप तिल्ली को निकालते हैं और माचिस के बॉक्स के बाहर में आकर आप उसको राबिंग करते हैं मतलब घसते हैं तो उसमें जो आग जलता है तो राबिंग के कारण होता है, तो उसमें ग्लू या बारूद मतलब जो फॉस्फेट लगा रहता है उसको राबिंग के कारण उसमें केमिकल रिएक्शन होता है, केमिकल रिएक्शन के कारण जलता है, तो इसको हम कहते हैं केमिकल एनर्जी। तो इसी चैप्टर में और दो चीज़ हम लोग डिस्कस कर सकते हैं जिसको कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब एक रूप से ऊर्जा दूसरे रूप में जो परिवर्तित होता है, ऊर्जा को कभी हम लोग नष्ट नहीं कर पाएंगे, ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन हो सकता है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी मतलब होता है जैसे मान लीजिए स्टीम जो भाप बनता है, जो भाप बनता है जो गर्मी होता है, जो उस भाप से उस स्टीम को काम में लगा कर हम लोग इंजन का इंजन चलाते हैं जिसका हम लोग स्टीम इंजन कहते थे पहले ज़माने में। तो एक ऊर्जा ऊर्जा होता है जो मतलब स्टीम से जो ऊर्जा पैदा होता है, जो एनर्जी पैदा होता है, वो एनर्जी क्या होता है एक रूप से मतलब ऊर्जा अपने जो भाव होता है उस भाव से क्या होता है मैकेनिकल मतलब जो मैकेनिकल ऊर्जा मतलब मैकेनिकल जो पार्ट्स है लोहे का जो टुकड़ा है जिससे आपका रेल का जो इंजन मतलब जो बॉडी बना है उसको हम लोग एक जगह से दूसरी जगह पर ले जा सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि स्टीम एनर्जी चेंजेस टू मैकेनिकल एनर्जी। तो इसी तरह मान लीजिए कहीं पर जी पानी अगर ऊपर से गिरता है, जैसे झरना का जो पानी होता है ऊपर से गिरता है या डैम का जो पानी होता है जो ऊपर से गिरता है, उसी पानी का प्रभाव को हम लोग काम में लगा के क्या करते हैं, उसका जो करंट होता है, उसका जो स्रोत होता है, उसका जो प्रभाव होता है, उस प्रभाव को काम में लगा के हम लोग जल से भी ऊर्जा पैदा करते हैं जिसको हम लोग हाइड्रल इलेक्ट्रिसिटी या हाइड्रल पावर भी कहते हैं। तो हाइड्रो पावर या हाइड्रल पावर जो भी होता है वो पानी के कारण से होता है। तो पानी का जो करंट होता है, जो प्रभाव होता है, पानी का जो गति होता है, मोशन होता है, उससे जो ऊर्जा पैदा होता है उसको हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग कहते हैं। और एक बात है लास्ट में अंत तक हम ये बोल सकते हैं, और एक तो पार्ट हम डिस्कस कर सकते हैं उसमें होता है कॉन्जर्वेशन ऑफ एनर्जी, ऊर्जा को हम लोग संरक्षण कर सकते हैं। ऊर्जा तो एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित होता है, उसको कभी आप लोग नष्ट या विलुप्त नहीं कर पाएंगे, लेकिन कॉन्जर्वेशन एनर्जी का हम लोग अगर संरक्षण करते हैं उसी एनर्जी को हम बाद में काम में लगा सकते हैं। तो इसी चैप्टर का दूसरे भाग में अभी आते हैं, इस भाग में हम लोग डिस्कस करेंगे कि यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स, यूनिट एंड मेजरमेंट क्या होता है, यूनिट्स यूनिट्स एंड मेजरमेंट, यूनिट्स एंड मेजरमेंट क्या होता है। कोई भी चीज़ को दर्शाने के लिए, कोई भी चीज़ को दर्शाने के लिए इस धरती में कोई भी चीज़ को आप अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसका इकाई होता है। जरा अपना हिंदी बोझे ना तदिक जन बांग्लाते बोले दीची, प्रत्येकटा मेजरमेंट प्रत्येकटा यूनिट एकक एकक की मेजरमेंट की मेजरमेंट करवार जन कटा पार्टस आछे। मेजरमेंट और यूनिट्स बोलने के लिए बहुत सारा प्रक्रिया है, लेकिन सबसे पहले जानना पड़ेगा क्या होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट।
जिसके ऊपर धरती पूरा निर्भरशील है उसके हम लोग कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? हर एक कोई भी स्टूडेंट होता है जो यूनिट के बारे में जानता है, लेकिन फंडामेंटल यूनिट्स के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट अवगत नहीं रहते हैं, तो फंडामेंटल यूनिट्स जानना चाहिए। फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है? तीन चीज़ के ऊपर पूरा धरती निर्भरशील है, उस तीन चीज़ के ऊपर निर्भर करके हम लोग इकाई बनाते हैं या मेजरमेंट करते हैं। उन तीनों चीज़ को हम लोग बोलते हैं। एक होता है आपका लेंथ, एक होता है आपका लेंथ जिसको हम एल से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको जिससे हम लोग दूरी माप सकते हैं। दूसरा होता है मास, कोई भी सब्सटेंस के भीतर में जो पदार्थ रहते हैं उसको हम लोग मास बोलते हैं। मास मतलब एम से डिनोट किया जाएगा आपका। मास होता है, लेंथ होता है, और होता है टाइम। टाइम को हम लोग टी से डिनोट करते हैं, तो एम एल टी होता है। ये तीनों तीनों चीज़ के ऊपर निर्भर करके किसी भी सब्सटेंस का इकाई बनता है, किसी भी चीज़ का इकाई बनता है। मेजरमेंट करते हैं हम लोग जिसके ऊपर निर्भरशील करके, उसको हम एम एल टी से रिप्रेजेंट करते हैं, जिसको कहते हैं फंडामेंटल यूनिट्स। इस फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर निर्भर करके सभी इकाई बनता है। तो বাংলাতে যারা পড়াশোনা করছেন তাদের বোঝবার জন্য বলে দিই, ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস মানে হচ্ছে মূলত মৌলিক একক। কাদেরকে বলে মৌলিক একক? বলতে আমরা বুঝি সেই একক যেগুলোর উপর নির্ভর করে সমস্ত এককগুলো তৈরি হয়েছে। সাধারণত মাস মানে হচ্ছে ভর, টোটাল সাবস্টেন্স যে পার্টিকেলস বা যে কণা দিয়ে তৈরি হয়েছে তাকে মাস আমরা বলি। লেন্থ মানে হচ্ছে দৈর্ঘ্য বা ডিস্টেন্সও আমরা নির্ভর করতে পারি, যেটাকে এল দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করি। আর একটা হচ্ছে টাইম, তা এম এল টির উপর নির্ভর করে সমস্ত একক বা মেজারমেন্ট তৈরি হয়। এবার আমাদের জানতে হবে যে কটা প্রসেসে আমরা টোটাল মেজারমেন্ট বা ইউনিটস মাপতে পারবো বা বানাতে পারবো। তা পুরা ধরতি মে তিন চিজকে উপর নির্ভর করকে একাই বানতা হয়। তিনো সিস্টেম হ্যায়, তিন সিস্টেমে বেসিক্যালি সিস্টেমস কো হাম লোগ তিন সিস্টেমকে উপর ডিপেন্ড করকে হর এক কান্ট্রি কা হর এক মেজারমেন্ট সিস্টেমস রহতা হ্যায়। হর এক দেশ কা হর এক সিস্টেমকে উপর নির্ভর করকে ও আপনা আপনা মেজারমেন্ট ইকাই নির্ধারিত করতে হ্যায়। লেকিন বেসিক্যালি তিন হ্যায়। নম্বর ওয়ান, এক নম্বর পে হাম লোগ কহতে হ্যায় সিজিএস সিস্টেম, দো নম্বর মে কহতে হ্যায় এমকেএস, ওর এসআই ইউনিট ভি কাহা জাতা হ্যায়, और तीसरा होता है आपका, तीसरा होता है एफपीएस सिस्टम। तो सीजीएस मतलब होता है, सीजीएस सिस्टम क्या होता है? सीजीएस सिस्टम तीन ধরনের সিস্টেমের উপর নির্ভর করে একক তৈরি হয়। সাধারণত সিজিএস, এমকেএস, এমকেএস কে অনেক সময় আমরা এসআইও বলে থাকি, আর একটা হচ্ছে এফপিএস। সিজিএসটা কি? সিজি হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই সিজিএস? সিজিএস মানে হচ্ছে যেখানে হচ্ছে সেন্টিমিটার, সি ফর সেন্টিমিটার। সেন্টিমিটার, সেন্টিমিটার মানে কি বোঝাতে চাইছে? সেন্টিমিটার মানে হচ্ছে ডিস্টেন্স বোঝাতে চাইছে বা লেন্থ বলতে পারেন। জি, জি হোয়াট ডাজ ইট মিন বাই জি? জি মিনস হচ্ছে আপনার গ্রাম। গ্রাম বলতে পারেন টোটাল কত ওজন, মানে কতটা পদার্থ, কতটা সাবস্টেন্সের মধ্যে রয়েছে। গ্রাম দ্যাট মিন্স এম, এখানে আমরা পেলাম। আর এস, এস রিপ্রেজেন্টস দ্য ইউনিটস অফ টাইম, দ্যাট মিন্স সেকেন্ড। সেকেন্ডসকে টি দিয়ে আমরা রিপ্রেজেন্ট করতে পারি। তাহলে এখানে বুঝতে পারছেন আমরা তিনটে জিনিসের উপর নির্ভর করে আমরা এম এল টি যেটাকে আমরা বলছিলাম, যেটা ফান্ডামেন্টাল ইউনিটস, সেই ফান্ডামেন্টাল ইউনিটসের উপর ডিপেন্ড করে একটা সিস্টেমের মাধ্যমে আমরা বুঝতে পারছি যে এখানে তিনটে জিনিসেরই ইম্পর্টেন্সি আছে। একটা হচ্ছে সেন্টিমিটার, একটা হচ্ছে গ্রাম, একটা হচ্ছে আপনার সেকেন্ড। তাহলে সিজিএস সিস্টেমে হচ্ছে এল এম টেন টি হলো। দ্বিতীয়তে আমরা চলে আসি, সেকেন্ড পার্টে আমরা চলে আসি। সেকেন্ড পার্ট হচ্ছে এম কে এস। এম কে এস হচ্ছে আপনার মিটার। মিটার দ্যাট মিন্স হচ্ছে মিটার, মিটার দিয়ে আমরা কি রিপ্রেজেন্ট করি? লেন্থ বোঝাতে আমরা যদি সাহায্য করে, দ্যাট মিন্স হচ্ছে এল। কিলোগ্রাম, কিলোগ্রাম, কিলোগ্রাম মানে হচ্ছে কেজি। কিলোগ্রাম যেটাকে আমরা বলি কেজি, কেজি দ্যাট মিন্স হচ্ছে ও মাস আপনি বলতে পারেন। কেজি, কেজি দিয়ে রিপ্রেজেন্ট করি। আর একটা হচ্ছে আমরা যে এমকে সিস্টেম, এস, এস মানে হচ্ছে সেকেন্ড। সেকেন্ড অলওয়েজ কনস্ট্যান্ট, মানে টাইম, টাইমকে ডিনোট করছে। তাহলে এখানেও আপনারা বুঝতে পারলেন যে কিলোগ্রাম মানে হচ্ছে এম, কিলোগ্রাম মানে হচ্ছে এম, মিটার হচ্ছে এল, সেকেন্ড হচ্ছে টি। দ্যাট মিন্স যো হিন্দি ভাষাভাষী ভাই বোন হ্যাঁ উনকে লিয়ে বোল দেতে হ্যাঁ দোবারা, এম কে সিস্টেম জিসকো হাম কহতে হ্যাঁ উস এম কে সিস্টেম মে মিটার, এম, এম মতলব হোতা হ্যায় মিটার, মিটার মতলব লেন্থ কো দর্শাতে হ্যাঁ, লেন্থ দূরী কো নাপনে কে লিয়ে মিটার কে ইস্তেমাল করতে হ্যাঁ। কিলোগ্রাম মতলব হোতে হ্যায় যো ভার, যো ওয়েট, হাম লোগ কোই ভি সামান যো কিরানি কে দোকান সে যো লাতে হ্যায় উসকো হাম কেজি মে ইয়া গ্রাম মে রিপ্রেজেন্ট করতে হ্যায়। দ্যাট মিন্স মাস, উসকে ভিতর কিতনা সাবস্টেন্স হ্যায়। और सेकेंड मतलब टाइम टी, मतलब देखिए इसमें भी, इस सिस्टम में भी आपका आ गया है एम एल टी। एम के एस को कभी कभार एस आई यूनिट भी कहा जाता है। एस आई मतलब क्या होता है? एस आई का मतलब होता है आपका इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को, स्टैंडर्ड को हम लोग क्या करते हैं,
एस आई से रिप्रेजेंट करते हैं एस आई सिस्टम, और एक सिस्टम जो लास्ट में है अंत में है जिसे कहते हैं एफ पी एस। एफ पी एस, एफ पी एस का क्या होता है? एफ पी एस होता है फुट। यहाँ पर भी देखिए फुट से हम लोग क्या नापते हैं, फिर फुट से हम लोग दूरी नापते हैं या लेंथ नापते हैं। तो ये एल को डिनोट कर रहा है, पी मतलब पाउंडल, पाउंडल या पाउंड बोल सकते हैं, जिससे हम लोग वर मतलब मास डिनोट कर रहे हैं, एम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और एस मतलब सेकेंड, सेकेंड मतलब टाइम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए एपी सिस्टम में एफ फॉर फुट, पी फॉर पाउंडल, और एम और टी फॉर सेकेंड, फॉर टी को रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पर भी देखिए एल एम टी आ गया, यहाँ पर भी देखिए एम के सिस्टम में यहाँ पर भी आपका एल एम टी आ गया है, और यहाँ पर भी देखिए आपका सी जी एस सिस्टम में एल एम टी आ गया। बेसिकली हम लोग के देश में, हम लोग के कंट्री में क्या होता है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सी जी एस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं, सी जी एस सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। तो सी जी एस सिस्टम में क्या पाया हम लोग, सी फॉर सेंटीमीटर, जी फॉर आपका ग्राम, एस फॉर सेकेंड, मतलब यहाँ पर जी मतलब एम, सी फॉर एल या एस फॉर टी। तो एल एम एन टी के ऊपर निर्भर करके ही हर एक प्रोसेस से आपका यूनिट ये इकाई निर्धारित होता है या मेजरमेंट करते हैं। तो एम के सिस्टम, एस आई सिस्टम दोनों एक ही है, ए पी एस सिस्टम और सी जी एस। बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज में क्या होता है, एम के सिस्टम, एस आई सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। हम लोग के देश में क्या होता है, सी जी एस सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। हम लोग रोजमर्रा का ज़िंदगी में जो भी सामान वगैरह खरीदते हैं या कहीं पर भी काम करते हैं, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में जहाँ जहाँ हम लोग काम करते हैं, एक बार अगर ख्याल रखिएगा आप लोग, अगर थोड़ा सा भी सोचिएगा तो देखिएगा सी जी एस सिस्टम का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल होता है। एम के सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा फैक्ट्री में, कारखानाओं में या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स में या कहीं पर भी जो काम करते हैं उन लोगों के लिए एम के सिस्टम भी कभी कभार काम में आता है। और ए पी एस सिस्टम ज़्यादा से ज़्यादा आपका यूरोपियन कंट्रीज में ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो ए पी एस सिस्टम का वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल पाया जाता है। तो फंडामेंटल यूनिट्स क्या होता है, एल एम टी होता है, लेंथ मास टाइम, लेंथ मास टाइम के ऊपर निर्भर करके तीन प्रोसेस होता है, तीन सिस्टम होता है। तीन सिस्टम क्या होता है, सी जी एस, एम के एस और एस आई सिस्टम, सी जी एस, एम के एस और ए पी एस सिस्टम। सी जी एस, एम के एस, ए पी एस सिस्टम के ऊपर निर्भर करके हम लोग यूनिट या मेजरमेंट निर्धारित करते हैं। मान लीजिए कहीं पर भी अगर दूरी या वेलोसिटी निकाला जाए, मान लीजिए किसी भी सब्सटेंस का हम लोग अगर वेलोसिटी निकालते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है, वेलोसिटी मतलब गति, कोई भी सब्सटेंस का जो गति होता है, जो वेग होता है, वो निर्धारित करता है कितना दूरी मतलब डिस्टेंस तय किया है, उस डिस्टेंस के ऊपर निर्भर करके डिवाइडेड बाई टाइम, डिवाइडेड बाई टाइम करते हैं। तो वेलोसिटी निकालने के लिए वी से, अगर हम वेलोसिटी वी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो डिस्टेंस को हम लोग अगर एस से रिप्रेजेंट करते हैं, टी को अगर टाइम से रिप्रेजेंट करते हैं, डैट मीन्स होता है वी फॉर इज इक्वल टू एस बाई टी, इस तरह होता है। तो इसी तरह एस को अगर हम लोग एल बोलेंगे, एस मतलब एल कितना दूरी तय किया, एल से रिप्रेजेंट करेंगे, टी को टाइम से रिप्रेजेंट करेंगे। तो नीचे वाला हिस्सा कोई भी चीज़ को अगर ऊपर में लाया जाए तो एल टी के ऊपर माइनस वन, माइनस वन क्योंकि ये नीचे में था, ऊपर में जाएगा तो टू डी पावर माइनस वन। तो देखिए वेलोसिटी को अगर रिप्रेजेंट करते हैं तो एल, एल के ऊपर कुछ नहीं मतलब इसको आप जीरो मान सकते हैं, टी के ऊपर आपको माइनस वन है, इसी तरह एम के ऊपर भी कुछ नहीं है, तो एल के ऊपर कुछ नहीं मतलब वन मान लीजिए यहाँ पर वन, और प्लस वन मान लीजिए, और एम मतलब यहाँ पर तो एम नहीं था, तो एम को अगर रखते हैं तो एम के ऊपर जीरो दे देते हैं, इंडेक्स का फॉर्मूला एम, एम टू दावर जीरो। तो टोटल वेलोसिटी का फॉर्मूला आ गया एम टू दावर जीरो, एल टू दावर वन, टी टू दावर माइनस वन। तो यहाँ पर भी देखिए एम टू दावर जीरो, एल टू दावर माइनस वन, एल टू दी पावर सॉरी एल टू दी पावर प्लस वन एंड टी टू दी पावर माइनस वन। तो एम एल टी से रिप्रेजेंट किया गया तो वेलोसिटी। इसी तरह मान लीजिए कोई भी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को अगर मान लीजिए अगर डेल्टा से रिप्रेजेंट करते हैं, डेरिवेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मान लीजिए डेल्टा वी या वेलोसिटी वी इज इक्वल टू, हम लोग इस तरह भी लिख सकते हैं, डेल्टा इज डिवाइडेड बाई डेल्टा टी, डी फॉर डेल्टा, दैट मीन्स डेल्टा जो साइन होता है, ये डेल्टा साइन होता है, इस डेल्टा को हम लोग इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा या डेरिवेटिव से भी रिप्रेजेंट, स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है, इसको हम लोग डेरिवेटिव्स बोलते हैं, डेरिवेटिव्स बोलते हैं। तो डेरिवेटिव्स निर्धारित करने के लिए क्या होता है, डेल्टा एस, डेल्टा एस कुछ नहीं है दूरी को तय करने के लिए, तो यहाँ पर हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे, और नीचे में अगर डेल्टा टी है तो डेल्टा टी को हम उसी तरह टी से रिप्रेजेंट करेंगे। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू एल टी टू दी पावर माइनस वन, एल के ऊपर कुछ नहीं है, तो किसी भी सब्सटेंस के ऊपर वन का देने का मतलब वही सब्सटेंस आता है, टी टू दी पावर माइनस वन, एम तो नहीं है यहाँ पर,
तो एम को अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर एम टू दी पावर 0, एल टू दी पावर 1, टी टू दी पावर -1 दे सकते हैं। तो एम एल टी से देखिए फंडामेंटल यूनिट्स के ऊपर निर्भर करके वेलोसिटी को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसी तरह मान लीजिए अगर आप एक्सीलरेशन को, मान लीजिए एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन मतलब जो हम लोग बोलते हैं त्वरण बोलते हैं, एक्सीलरेशन को बेसिकली हम लोग क्या करते हैं एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एफ को निकालने के लिए क्या करते हैं, चेंजेस वेलोसिटी लिखते हैं, चेंजेस वेलोसिटी बोलते हैं, चेंजेस वेलोसिटी, चेंजेस वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। टाइम के ऊपर निर्भर करके जितना वेलोसिटी का जो चेंजेस होता है, समय के अनुसार जो वेलोसिटी का परिवर्तन होता है उसको हम लोग एफ बोलते हैं। যারা বাংলা ভাষাভাষী ভাই বোন আছেন তাদের জন্য হচ্ছে ত্বরণ বলতে গেলে হচ্ছে সময়ের সাপেক্ষে গতিবেগের যে পরিবর্তন তাকে সাধারণত আমরা বলি ত্বরণ। এবার চেঞ্জেস ভেলোসিটি মেবি এটাকে যদি আমরা ধরতে পারি, এটাকে যদি আমরা যদি V2 মাইনাস V1 ধরি, নিচে যদি টাইম টি ধরি, V2 মাইনাস V1, V2 মাইনাস V1 দ্যাট মিন্স হচ্ছে V2 মাইনাস V1টাকে আমরা যদি ডেল্টা ভি বলি, এটাকে যদি ডেল্টা টি বলি, ডেল্টা ভি, ডেল্টা ভি, ডেল্টা ভি, ভি ভেলোসিটি আমরা যখনই বার করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি, ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি, যখনই আমরা ভেলোসিটি বার করেছিলাম তখন আমরা দেখেছিলাম ডেল্টা ভি ইজ ইকুয়াল টু ডেল্টা এস ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি। তাহলে আমরা ডেল্টা ভির জায়গায় আমরা ডেল্টা এস বাই ডেল্টা টি মানে ডিস্টেন্স বাই টাইম লিখতে পারি, ভেলোসিটি ইজ ইকুয়াল টু ডিস্টেন্স বাই টাইম। তাহলে আমরা যদি হাম লোক আগে ইয়াঁ পর ভেলোসিটিকে জায়গা পর লিখতে হ্যাঁ কি ডেল্টা এস ডিভাইডেড বাই ডেল্টা টি, নিচে মে তো ডেল্টা টি আপকা হ্যাঁ, तो ये हो गया आपका डेल्टा एस डिवाइडेड बाय डेल्टा टी, नीचे में आ जाएगा तो डेल्टा टी स्क्वायर हो जाएगा, डेल्टा टी स्क्वायर। तो डेल्टा टी स्क्वायर जो हो गया, तो डेल्टा टी स्क्वायर को अगर ऊपर में लाएंगे, एस को अगर एल से रिप्रेजेंट करते हैं और टी टू दी पावर -2, नीचे वाला हिस्सा अगर ऊपर में जाता है तो इंडेक्स में माइनस आ जाता है। तो एल एल एंड टी टू दी पावर -2, एल के ऊपर कुछ नहीं है मतलब आप 1 पकड़ सकते हैं, टी टू दी पावर -2 पकड़ सकते हैं, और एम तो नहीं है, एम को अगर आप 0 मान लेते हैं तो इसका क्या होगा, डायमेंशनल फिगर क्या होगा, एफ, एफ दैट मीन्स होता है एक्सेलरेशन, जो पहले ही कहा गया है, जो पहले ही कहा गया है एक्सेलरेशन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एफ इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, एम, एम मतलब तो था नहीं यहाँ पर, तो एम के ऊपर 0 देने से वही वाला सब्सटेंस कुछ नहीं बचेगा, टू डी पावर 0 का कुछ नहीं मतलब होता है। एल, एल क्योंकि एल ऊपर में था तो एल के ऊपर 1 देने का मतलब, किसी भी सब्सटेंस के ऊपर 1 देने का मतलब वही वाला सब्सटेंस रहता है, नीचे वाला टी ऊपरी वाला हिस्से में गया, टी टू दी पावर -2। तो यहाँ पर भी देखिए एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एम एल टी फंडामेंटल यूनिट्स का रिप्रेजेंट होता है। तो इसी तरह हम लोग किसी भी सब्सटेंस का यूनिट या इकाई निर्धारित कर सकते हैं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में। तो पहले वाला वीडियो में हम लोग जो डिस्कशन किए थे वो वाला डिस्कशन एक और भी वीडियो में हम लोग डाले थे, उस वीडियो में A to Z बोल के था। तो अभी से जो भी वीडियो चला जाएगा, वंडर टीचर बोल के एक वीडियो नया बनाया है, उस वीडियो में आप लोग थोड़ा फॉलो कीजिएगा। यहाँ पर हम लिख देते हैं वंडर टीचर को आप फॉलो कीजिए, वंडर टीचर वाला जो चैनल है उस चैनल को थोड़ा फॉलोअप कीजिए। उस फॉलोअप में आपको हर एक चैप्टर के अनुसार आपको एक एक बार समझाया जाएगा कैसे कैसे क्या क्या पढ़ाई होता है, क्या क्या ट्यूटोरियल क्लास हम लोग बनाते हैं, और हर एक वीडियो जो भी नया बनाया जाएगा इसके बाद सभी इसी चैनल में हम पोस्ट करते जाएंगे वंडर टीचर में। आप लोग कृपा करके वंडर टीचर को हर एक के साथ, हर एक फ्रेंड्स के साथ, हर एक बहन के साथ, हर एक भाई के साथ शेयर कीजिए, और इसको थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, और बहुत सारा फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक को जो सुविधा मिले, मैं चाहता हूँ मेरा हर एक बहन, हर एक भाई आगे जाए, तरक्की करे और परीक्षा में अव्वल नंबर लाए। साथ ही साथ आप लोगों को दुआ है, आप लोग स्वस्थ रहिए, खुशी रहिए, होम में रहिए, घर से मत निकलिए, अभी कोरोना का जो ये चल रहा है इससे आप थोड़ा बच के रहिए, लेकिन स्टडी को फॉलोअप कीजिए, स्टडी को बराबर से फॉलोअप करने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसके साथ आप लोग दूसरे के साथ भी शेयर कीजिए, दूसरे को भी थोड़ा इंस्पायर कीजिए, थोड़ा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा लाइक दीजिए, क्योंकि हर एक बार वीडियो बनाने में मुझे भी थोड़ा इंस्पिरेशन और इनक्रेजमेंट मिलेगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को वॉचिंग करने के लिए, दोबारा हम आएंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक थैंक।
थैंक यू, धन्यवाद।